अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डिबगिंग फीचर्स ऑफ C++। डिबग, सबसे पहले हम देखते हैं कि बग्स हमारे पास क्या चीज होती है। जिस वक्त हम एक प्रोग्राम को राइट करते हैं तो उसमें लिखते हुए जितने भी हमारे पास एरर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे बग्स कहलाते हैं। अब इन एरर को हमने फाइंड आउट करना है और इनको रिमूव करना है ताकि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो सके। तो एरर को तलाश करके खत्म करना डिबगिंग कहलाता है। अब डिबगिंग है कितनी एग्जाम की, तो ये आगे हम यहाँ पे डिस्कस करके देखते हैं। टर्बो C++ प्रोवाइड मेनी यूजफुल डिबगिंग फीचर्स। इन डिबगिंग फीचर्स को अगर आप एक दफा कंपाइल करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फाइल को वो कंपाइल कर देता है। उसमें जितनी जगह पे एरर होंगे तमाम जगह पे आपको एरर शो करके दिखाता है। अब इन डिबगिंग फीचर को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हम लाइन बाय लाइन या वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमने चेक करना है, तो मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए हम डिबग कर सकते हैं। द डिबगिंग फीचर्स ऑफ C++ आर अवेलेबल इन डिबग मेन्यू। एक हमारे पास इसमें मेन्यू है डिबग का, उसके अंदर ये सारे की सारी कमांड्स मौजूद होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल स्टेपिंग, ये डिबगिंग का पहला मेथड है। अ प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट इवन इफ हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली। देखिए, एक प्रोग्राम आपने राइट कर लिया, राइट करके आपने कंपाइल उसको कर लिया, वो आपको मैसेज दे रहा है सक्सेसफुली कंपाइल्ड। जब आप उसको रन करते हैं फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, क्या उसमें एरर होंगे, वो कहता है कि ये आप सिंगल स्टेपिंग के साथ इसको चेक कर सकते हैं। द डिबगर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू फाइंड एरर बाय एग्जीक्यूटिंग वन लाइन ऑफ द प्रोग्राम एट वन टाइम। ये जो हमारे पास है सिंगल स्टेपिंग, सिंगल का मतलब होता है एक, अकेला, ये जो डिबगर्स है हमारे पास ये एक वक्त में एक लाइन को कंपाइल करेगा। जब एक एक लाइन आपके पास कंपाइल होती जाएगी तो जिस लाइन में आपके पास एरर आ रहा होता है वहां पे प्रोग्राम आके आपके पास रुक जाता है, आप इजीली उस एरर को करेक्ट कर सकते हैं। इट अनेबल द प्रोग्रामर टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एरर। अब देखें, जिस वक्त हम कंपाइल करते हैं ना एक प्रोग्राम, फर्स्ट करें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन नहीं किया लेकिन उस वेरिएबल को मैं 8-10 जगह पे यूज कर रहा हूँ नीचे प्रोग्राम में, तो जो आपके पास कंपाइलर होगा वो आपको 8-10 एरर शो करके दिखाएगा कि जो आपने वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लिया है ये आपने डिफाइन नहीं किया था, हर जगह पे यही मैसेज आएगा। अब एरर तो एक्चुअल हमारे पास एक है लेकिन वो 8-10 जगह पे उसको शो कर रहा है, तो प्रोग्रामर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे सिंगल स्टेपिंग में क्या होगा कि एग्जैक्ट पहली दफा पहली लोकेशन पर ही आपके पास आपका कर्सर पहुंच जाएगा, आप इजीली उसको रिमूव कर लो। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन स्टेप एट अ टाइम व्हेन सिंगल स्टेपिंग। हम इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे, चलाएंगे कैसे सिंगल स्टेपिंग को। प्रोग्राम राइट किया, राइट करके फाइल को आपने सेव कर लिया। अब आपने सबसे पहले मेन्यू बार में जाना है और मेन्यू बार में कमांड है रन, इस कमांड को आपने क्लिक करना है और इसमें ट्रेस इनटू ये कमांड है, या आप F7 की को प्रेस कर सकते हैं। आपके पास ये जो सिंगल स्टेपिंग डिबगर है ये ऑटोमेटिक आपके पास ऑन हो जाएगा। दूसरा इसमें हमारे पास है वॉचिस, ये भी हमारे पास एक डिबगर है। द वॉच आर द वॉच एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू चेक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। देखिए, वेरिएबल हमारे पास क्या चीज होती है, मेमोरी लोकेशंस है जिसमें आपके पास कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं और थ्रू आउट प्रोग्राम आपकी वो वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरी का मतलब होता है तब्दील होना, तो आपने एक नाम XYZ ABC कोई भी वेरिएबल का रख लिया है, उसमें आपने कोई इनिशियल वैल्यू स्टोर कर दी, जब आपका प्रोग्राम रन हुआ हो सकता है उसकी वैल्यू 0 हो और जब प्रोग्राम आपके पास एंड हो रहा है उसकी वैल्यू 10, 20, 30 कुछ भी हो सकती है। अब प्रोग्राम के दौरान इसकी वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, खासतौर पर जब हमारे पास लॉजिकल एरर आते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया है, तो वहां पे फिर हम वेरिएबल्स को देखते हैं कि किस वेरिएबल में कितनी वैल्यू इस वक्त आके स्टोर हो रही है जब एक लाइन आपकी कंपाइल्ड हुई, तो इसलिए फिर जाके हम लॉजिकल एरर को तलाश कर सकते होते हैं वॉचिस के जरिए। इट इंडिकेट हाउ द वैल्यू चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हर लाइन पे अलग अलग
आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी, आप अलग कागज पे उसको नोट करते जाएंगे। इट इज नॉर्मली यूज इन द कॉम्बिनेशन विद द सिंगल स्टेपिंग। इसको हम सिंगल स्टेपिंग के साथ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें हर लाइन के बाद वेरिएबल में क्या वेरिएशन हुई है वो हमने देखनी होती है, ताकि हमारा लॉजिकल एरर इजिली ट्रेस आउट हो सके। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू यूज वॉच आर वॉच एक्सप्रेशन। क्या प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे? प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी चेक्ड। आपने एक प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट करें उसमें आपने दो वेरिएबल को इस्तेमाल किया हुआ है, आप दोनों में से एक वक्त में एक वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। पहले हम एक ही करेंगे फिर दूसरी की करेंगे। तो कहता है कि आपने जो पहला वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को चेक करना है उस पर अपना कर्सर रखें, उसके बाद आप करें जी क्लिक डिबग, और इसमें कमांड हमारे पास है वॉचिस। अ सब मेन्यू विल अपीयर। जैसे आप इस कमांड को क्लिक करते हैं एक छोटा सा मेन्यू आपके पास खुला, सिलेक्ट एड वॉच फ्रॉम द सब मेन्यू। इसमें एड वॉच का बटन है, इसको क्लिक कर दें, या वो कहता है कंट्रोल F7 की को प्रेस कर दें। अ डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स एक रेक्टेंगल बॉक्स आपके पास अपीयर होगा, विल अपीयर द सिलेक्टेड वेरिएबल विल अपीयर इन वॉच एक्सप्रेशन फील्ड। जब आपने इसको शुरू किया था ना कमांड को, तो हमने कहा था कि आपका कर्सर उस वेरिएबल पे होना चाहिए। अब उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे वॉच एक्सप्रेशन के फील्ड के अंदर डिस्प्ले में आएगा, वो वेरिएबल ए है, बी है, एक्स है, वाई है, जी है, क्या आपने वहां पे उस वक्त क्लिक किया हुआ था। क्लिक ओके आर द प्रेस एंटर की, दोनों में से कोई यहाँ पे की प्रेस कर दें। अ न्यू विंडो विल अपीयर इंडिकेटिंग दैट द सिलेक्टेड सिंबल इज अनडिफाइंड। नई विंडो अपीयर होगी, उसमें एक मैसेज आपके पास आएगा कि आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं, सिंबल्स हैं, ये अनडिफाइंड है। अब वो कहता है कि अब आपने क्या करना है, आप क्लिक करें रन को और ट्रेस इनटू, सिंगल स्टेपिंग को आप यहां पे ऑन कर दें। अभी जो हमने पीछे टॉपिक को डिस्कस किया, आर प्रेस F7 टू एग्जीक्यूट सिंगल स्टेपिंग। अब एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती जाएगी, आपकी वैल्यू जो होगी वेरिएबल की वो आपको वहां पे नजर आती जाएगी चेंज होकर। द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड वेरिएबल विल अपीयर इन द वॉच विंडो। अब वो वॉच विंडो जो ओपन है उसमें आपकी वेरिएबल की वैल्यू हर लाइन के बाद अगर चेंज हो रही है तो वहां पे आपके पास डिस्प्ले में आपको नजर आती जाएगी। अब तीसरा हमारे पास है ब्रेक पॉइंट। बात का ये होता है कि हमने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा होता है, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसमें एरर आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, हम क्या करते हैं कि उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चेक करते हैं। पहले मैं कोई 5-6 लाइनें चेक कर देता हूँ, या 8-10 लाइनें मैंने चेक कर ली, जब वो क्लियर हो जाएंगी उसके एरर रिमूव हो जाएंगे, मैं अगली 10 लाइनों को चेक करूंगा। फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एरर रिमूव होकर आपका पूरा प्रोग्राम हम चेक कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को पार्ट्स में चेक करना होगा तो आपने ब्रेक पॉइंट को यूज करना है। अब ब्रेक पॉइंट यूज टू मार्क अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। 10 लाइनें मैंने लिखी है तो मैंने सिर्फ 5 लाइनें एग्जीक्यूट करके देखनी, छठी लाइन से ऑनवर्ड जो कुछ भी आपने वहां पे राइट किया था वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने वहां पे ब्रेक पॉइंट एक लगा दिया, इस पॉइंट से आगे हमने उसको कंपाइल नहीं करना। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट अप टू द ब्रेक पॉइंट एंड देन स्टॉप्स। अप टू द ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट से ऊपर तक तमाम लाइनें आपकी एग्जीक्यूट होंगी, तमाम इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद प्रोग्राम आपके रुक जाएगा। द यूजर कैन चेक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट दिस पॉइंट। 5, 6, 7 जितनी आपने स्टेटमेंट चेक करनी है, साथ ही हमने करना है वॉचिस को भी ऑन कर लेना है और सिंगल स्टेपिंग को भी। तो हमारे पास उस स्टेज तक वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर हुई है वो आपको वॉचिस में जाकर पता चल जाएगा। बाय यूजिंग द वॉच विंडो बाय सिंगल स्टेपिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो बाकी आपका पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होना, वो हम बाद में उसमें ऐड करते जाएंगे। प्लेस द कर्सर ऑन द लाइन ऑन विच द ब्रेक पॉइंट इज टू बी इंसर्टेड। आपने अपना कर्सर छठी लाइन पे रखना है, छठी लाइन के शुरू में, इसके बाद आपने ब्रेक पॉइंट की कमांड को क्लिक कर देना है। क्लिक डिबग टॉगल ब्रेक पॉइंट आर प्रेस कंट्रोल F8। दोनों में से आप किसी एक बटन को क्लिक करते हैं। अब वो कहता होगा क्या, द ब्रेक पॉइंट will be inserted at the line will be highlighted.
जहां पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया था लाइन के शुरू में, आपके पास कर्सर था छठी लाइन के, वो छठी लाइन सारी की सारी हाईलाइट हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा इस लाइन पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है और इस लाइन से ऊपर तक तमाम लाइनें आपकी एग्जीक्यूट होनी है। हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पांच लाइन चेक कर ली, फिर दो मजीद उसमें ऐड कर लेंगे, फिर दो कर लेंगे, ये जितनी आपको जरूरत होगी। तो अब आपके पास वो हाईलाइटेड लाइन नीचे मूव करती हुई आती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।